हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग देखेंगे ये लास्ट पोर्शन है ये इंपेलर बनाने के लिए कि आपको किस तरीके से आप फाई एक्सिस का इसमें यूज़ करके आप मशीनिंग कर सकते हो, राइट। तो अब तक जो हमने देखा कि पहले हम लोग फर्स्ट जो ट्यूटोरियल का पार्ट वन था इसमें हमने फर्स्ट सेट का हमने सेटअप देखा, इसमें थ्री एक्सिस मशीनिंग किया, थ्रेड मिलिंग किया। देन सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जो मैक्सिमम मटेरियल है वो हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया सीवाई के अंडर कट वाले पोर्शन, राइट। वो सब हमने फिनिशिंग किया। नाउ ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ये अंडर कट जो मशीनिंग है उसको हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मशीन में जाएंगे, तो मशीन के अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे फाई एक्सिस मशीन, राइट। फाई एक्सिस मशीन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, तो सेटअप में जाके हम बोलेंगे डिफाइन। यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप इंडेक्स जो है वो फाई एक्सिस है और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्ट बाउंडिंग बॉक्स या तो स्टॉक बाउंडिंग बॉक्स, ठीक। तो ये हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये इस तरीके का अगर हमारा रॉ मटेरियल रहेगा तो जो जेड एक्सिस है, राइट, वो जो है वो टॉप में रहेगी, तो वो इस तरीके से रहेगा और एक्स एंड वाई एज इट इज़ जैसे है। तो जेड एक्सिस हमने ऊपर ले लिया है, तो रोटरी के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि जो रोटरी है वो अराउंड जेड एक्सिस होगा। तो आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा कि ये अराउंड जेड एक्सिस होगा और टिल्टिंग जो है दैट विल बी अराउंड एक्स एक्सिस, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो एक्स एक्सिस के अराउंड। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो। आपका अगर मशीन है कि मैक्सिमम वो 30 डिग्री जाता है और मिनिमम ये साइड पे -120 जाएगा, मतलब माइनस का जो शाइन है वो ऑपरेटर साइड है। तो ज़्यादातर आपको टिल्टिंग जो है वो ऑपरेटर साइड ही देखना है, ना कि सामने की साइड, राइट। तो हम लोग उस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे टिल्टिंग का एक्सिस। रोटरी तो वो तो पूरा 360 डिग्री रहेगा, लेकिन टिल्टिंग में अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हो। मशीन सेट करने के बाद रॉ मटेरियल तो हमारा सेट ही है, सीधा मैं यहाँ पे बोलूँगा मिल पार्ट सेटअप, फेस सिलेक्ट, ओके। जैसे हमने अर्लियर ट्यूटोरियल्स में देखा है कि जब भी हमको मशीनिंग करना है तो मल्टीपर्पज फीचर में सारे फेसेस सिलेक्ट करते हैं, बट दैट इज़ लिमिटेड अप टू थ्री एक्सिस ओनली, कि वो खाली थ्री एक्सिस मशीनिंग में ही हमको वो चीज़ करना है। फाइव एक्सिस मशीनिंग जब हम लोग करते हैं तो फाइव एक्सिस के अंदर हम मल्टी सर्फेस फीचर तो बनाते हैं, लेकिन खाली उतना ही सरफेस सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमको मशीनिंग करना है, राइट। तो हम खाली वही सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसको बोल दूँगा ओके, तो ये हमारी सरफेस सिलेक्ट हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे दो गाइड कर्व्स चाहिए, एक ये और एक ये, जिन दोनों के रेफरेंस के मुझे टूल पाथ बनाना है। तो हम यहाँ से जाएंगे स्केच, स्केच में मैं बोलूँगा 3D स्केच, राइट। 3D स्केच के अंदर मैं ये एंटिटी को सिलेक्ट करके बोल दूँगा कन्वर्ट एंटिटी से, तो ये मेरा एक 3D स्केच बन गया लाइक दिस। सेम वे मैं एक और 3D स्केच लेता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली एज और इसको मैं बोलूँगा कन्वर्ट एंटिटीज, ओके। तो मैंने यहाँ पे दो 3D स्केच बना लिए, 3D स्केच 1 एंड 3D स्केच 2, ओके। उसके बाद हम कैनवास के अंदर, राइट, तो कैनवास में अभी मैं बोलूँगा, अब तक हम लोग 3-axis mill operation में जाते थे, अभी हम लोग जाएंगे multi-axis mill operation में, जिसके अंदर मैं multi-axis सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 mm का बॉलनोस कटर लेता हूँ जिससे मुझे मशीनिंग करना है, तो मैंने बॉलनोस कटर लिया। बॉलनोस कटर के फीड RPM आप सेट करोगे और यहाँ पे पैटर्न में हम लोग डिफाइन करेंगे पैटर्न को फ्लो लाइन बिटवीन कर्व, राइट। तो हमने जो दो कर्व बनाए थे दैट इज 3D स्केच 1 और लोअर कर्व के अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा 3D स्केच 2, ओके। मेथड में मैं बोलूँगा zigzag और स्टेप ओवर, अभी मैं फिलहाल 1 mm का स्टेप ओवर देता हूँ। एंट्री रिट्रैक हम बोलेंगे लीडिंग और लीड आउट, पर वो होगा टेंजेंट नहीं बल्कि वर्टिकल टेंजेंट आर्क, लीडिंग भी और लीड आउट भी। प्लेनिंग जेड क्लियरेंस, तो वो 2 mm तो काफ़ी कम है, तो उसको आप 20 mm रख सकते हो, तो 20 mm ऊपर से जितना भी रिट्रैक्शन होगा 20 mm या तो आप 50 mm भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट।
तो उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आता है फिट लेंथ, तो फिट लेंथ आप बोलोगे 2 mm, मतलब कि वो पूरा जो है वो रैपिड में आएगा, लेकिन 2 mm ऊपर से वो फिट में आना शुरू होगा। सो दैट इज फिट लेंथ। एक्सिस कंट्रोल में हम बोलेंगे कि फाई एक्सिस, दैट इज रोटेट अबाउ जेड एक्सिस, ओके, तो वो सब ठीक है। टिल्ट रिलेटेड टू कटिंग डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिनिश के अंदर हम लोग दे देंगे कि एक्यूरेसी 0.01 का चाहिए, राइट। आप बोलोगे मुझे एग्जैक्ट स्टेप ओवर चाहिए, तो 1-1 mm के आपको एग्जैक्ट स्टेप ओवर मिलेंगे। इसको मैं अभी फिलहाल करता हूँ प्रीव्यू। प्रीव्यू करने पे क्या होता है कि आपको अंदाजा आ जाता है कि आपका टूलपाथ कैसा बनेगा। उसके बाद आपको उसमें जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप देख रहे हो कि एकदम स्मूथ टूलपाथ यहाँ पे जनरेट हुआ है, राइट। और इसको अगर मैं सिमुलेट करना चाहूँ, ओके, तो सिमुलेशन करने से पहले हम इसको रॉ मटेरियल में थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो मेरा रॉ मटेरियल रहेगा वो फिलहाल अभी मैं इसको डायरेक्ट फिनिश पार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी मटेरियल है वो तो रिमूव होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चेक करना है मेन तो कि गाउचिंग, कि मेरा टूल और जो मेरा होल्डर है वो कहीं पे गाउच तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे। और सिमुलेशन में अभी हम डायरेक्ट ये आपको दिखेगा, राइट। तो ये देखिए, ये पहले ही जो आपकी एंट्री हो रही है वही यहाँ पे फाउल हो रही है, राइट। तो ये हमको पता चल रहा है कि ये जो टूलपाथ है वो हमारा एक्सीडेंट करेगा, जो वेन है उसको काट देगा। तो हमें क्या करना है, तो है कि ये जो फेसिस है उसको अवॉइड करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे गाउट चेकिंग में, मल्टी एक्सिस को हम लोग बोलेंगे एडिट, यहाँ पर जाएंगे गाउट चेकिंग, राइट। और यहाँ पर मैं बोलूँगा अप्लाई गाउट चेक टू फ्लूट नॉन कटिंग पोर्शन शैंक होल्डर सबके साथ, और अगर वो गाउचिंग होता है तो वो टूल को टिल्ट कर दें +90 और -90 की वैल्यू में, राइट। और किसके साथ गाउचिंग होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि एक सरफेस बना लेते हैं, कि ये सरफेस, ये और ये जो रेड कलर की है, मतलब ये तीनों सरफेस के साथ अगर वो कहीं पे गाउचिंग हो रहा है तो वो उसको अवॉइड करें, राइट। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके, और वापस हम करेंगे प्रीव्यू, राइट। तो प्रीव्यू करने पे अगेन हमको पता चल जाएगा कि अगर ये कहीं पर भी कुछ फाउल हो रहा है तो हम उसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तभी देखेंगे ये जो टूलपाथ है ये कैसे हो गया, राइट। अभी हम इसको सिमुलेशन करेंगे, तो ये देखिए जो टूल है वो आपको पूरा टिल्ट होके आएगा, मतलब जो पहले फाउल हो रहा था वो यहाँ पे ये फाउल नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से आप फाई एक्सिस टूलपाथ बना सकते हो और गाउचिंग चेक करवा सकते हो। तो ये क्या करेगा, नीचे का जो पूरा फ्लोर है ये पूरा फ्लोर आपका ये फिनिश करेगा, राइट। फिलहाल तो मैंने स्टेप ओवर 1-1 mm दिए हैं, लेकिन आप चाहो तो ये स्टेप ओवर यहाँ से कम कर सकते हो, ये अभी 1-1 mm के स्टेप ओवर है, तो उसको आप यहाँ पे कंट्रोल करवा सकते हो, राइट। जो भी एंट्री हो रही है वो भी आप देख सकते हो कि ये आर्क में एंट्री हो रही है, यहाँ से सीधा वो आर्क में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो फ्लोर मशीनिंग है, ये आप हर एक जितने भी यहाँ पे फ्लोर है वो सबके लिए बना सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा फ्लोर मशीन क्लियर हुआ, अभी मुझे कि ये जो साइड वेन है ये मुझे मशीनिंग करना है, राइट। तो उसके लिए भी अगेन हम जाएंगे यहाँ पे CW में, और यहाँ से हम बनाएंगे एक मल्टी सरफेस फीचर, जिसमें अब हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो फेसिस है मुझे खाली इतना ही मशीनिंग करना है। और इसके अंदर भी हम लोग एक 3D कर्व बनाएंगे, जो ऊपर का प्रोफाइल है उसको मैं बोलूँगा कन्वर्ट एंटिटीज और स्केच क्लोज, राइट। और इसको भी हम लोग सेम प्रोग्राम बनाएंगे मल्टी एक्सिस मिल, यहाँ पर भी मैं 4 mm का बोलनोस ले लूँगा और वही प्रोग्राम को हम लोग चाहे तो कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जो कर्व्स है वो कर्व्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कि अपर कर्व जो है वो 3D Sketch 3 है और लोअर कर्व जो है वो 3D Sketch 1 है, लोअर कर्व, राइट। और जो हमने गाउचिंग दिया था वो गाउचिंग हम इसमें हटा देंगे,
क्योंकि इसी सर्विस के तहत हमने गाउच मारा था, नहीं तो फुटपाथ बनेगा नहीं, राइट। तो ये हमने गाउचिंग हटा दिया और एक्सिस कंट्रोल में जो साइड टिल्ट एंगल है फिलहाल अभी मैं इसको जीरो रखता हूँ और देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट होता है, कैसे मशीनिंग होता है। ओके, और मैं इसको बोलूँगा जनरेट टूलपाथ, राइट। तो ये जो सेटिंग है ये इस हिसाब से अभी मुझे फिलहाल एक टूलपाथ बना के देगा। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर ये कहीं पे गाउचिंग हो रहा है या फाउल हो रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, राइट। तो ये इसका अगर मैं सिमुलेशन देखें, राइट, ये फिलहाल अभी स्मूथ चल रहा है, जैसा हमारा प्रोफाइल है वैसे ही प्रोफाइल पे वो चल रहा है। लेकिन ये देखिए जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है ये तो मेरा वेन के अंदर पूरा घुस के काट रहा है, राइट। ये गलत है, तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए दो ऑप्शन है, एक कि जो हमारा साइड टिल्टिंग एंगल है जो अभी ये टिल्ट हो रहा है उसको आप कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ एंगल। आप बोलो कि वो 40 डिग्री टिल्ट होना चाहिए, यस। तो अभी हम इसको प्रोग्राम को जनरेट करेंगे। तो ये जो पूरा टिल्टिंग हो रहा था 90 डिग्री, वो पूरा टिल्टिंग नहीं होना चाहिए, एक फिक्स एंगल कर दिया है और वो फिक्स एंगल पर ही वो टिल्टेड रहना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये टूलपाथ कैसे बना है। तो ये आप देख सकते हो कि जो हमने सेट किया है 40 डिग्री, 40 डिग्री की जगह पर आप चाहो तो और इसको कम कर सकते हो क्योंकि ये अभी भी इतना स्ट्रेट आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहे तो इसको और कम यहाँ पे कर सकते हैं 40 डिग्री की जगह पे, राइट। तो ये एक ऑप्शन हुआ कि आप साइड टिल्टिंग एंगल से इसको कंट्रोल कर रहे हो, राइट, जो भी प्रोफाइल है उसको। ओके, उसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन और ये फिर से मैंने 60 mm या 50 mm ऊपर एक प्लेन बना दिया और ये प्लेन पर अभी मैं एक स्केच लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो सेंटर से है। इसका जो सेंटर है वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और अभी हम क्या करेंगे, तो प्रोग्राम में जाएंगे और जो हमने सेट किया था कि टिल्टिंग रिलेटिव टू कटिंग डायरेक्शन, इसकी जगह पर मैं बोल दूंगा कि टिल्टेड थ्रू कर्व और टिल्ट कर्व के अंदर ये जो 3D Sketch 3 है, आई गेस, हाँ 3D Sketch 3, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मैं बोलूँगा प्रीव्यू। तो अभी क्या होगा कि जो मेरा टूल है ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसी के रेफरेंस में वो टिल्ट होगा, राइट। अगर आप प्रोग्राम देखोगे तो देखिए इसका जो वो जो अनइवन जो मूवमेंट हो रहा था उसकी जगह पे अभी ये एकदम इवन मूवमेंट होगा, राइट। अगर ये आप देखोगे जो होल्डर है तो होल्डर जो हमने यहाँ पे स्केच बनाया था वो स्केच के रेफरेंस में ही वो यहाँ पे काम करेगा, राइट। तो ये जो पोजीशन है ये आप स्केच को सेट कर सकते हो कि आपको कैसे इसको सेट करना है, बट दिस इज़ वन मोर ऑप्शन कि आप इस तरीके से स्केच के रेफरेंस से आप उसको जो भी टिल्टिंग है वो टिल्टिंग आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आपको एक फिक्स टिल्ट एंगल पे करना है या तो एंगल है जो मैं कर्व दिया है उसके रेफरेंस में वो मशीनिंग करेगा या तो आप बोलोगे टिल्टेड कटिंग डायरेक्शन जो हो रहा है उसके हिसाब से, पर उसमें भी आप साइड टिल्ट एंगल है उसको फिक्स रख सकते हो। सो देर आर लॉट्स ऑफ टूल्स
कि जिससे आप जो भी ये जो टिल्टिंग हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ताकि आपका जो मशीनिंग हो वो काफ़ी स्मूथ हो। तो हम यहाँ से फाइव एक्सिस मशीन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और पोस्ट प्रोसेसर हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जो टूलपाथ है तो टूलपाथ तो हम बोलेंगे यहाँ से, मशीन सिमुलेशन दैट इज जी कोड और सेव, यस ओके। तो ये एक वर्चुअल मशीन हम लोग यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे सेटिंग्स में कि मशीन ओरिजिन ऑफसेट, जो हमने 80mm स्टॉक दिखाया है तो वो स्टॉक जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इसको हम लोग क्लैंप डिक्लैंप से क्लोड हटा देंगे, और मैं करूँगा प्ले यस। तो जो हमने यहाँ पे आप मोशन देख रहे हो, ये मोशन हमने जो मशीन पे हम लोग देखेंगे, वर्चुअली आप वो चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो किस तरीके से मशीन होगा, फाउल होगा, गाउचिंग होगा। स्टार्टिंग में जो आपने गाउचिंग देखा वो ऐसी बेसिकली ये जो पोस्ट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू सेट है कि ये वाई में -550 जाएगा, बट ये जो मशीन है ये वैल्यू उतना, मतलब इसका जो टेबल ट्रैवल है वाई में ये उतना नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे एरर दिखा रहा था। बट ये जो पोस्ट है वो पूरा आप अपने मशीन के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार वहाँ पे जाके गाउचिंग होगा, लेकिन आप यहाँ पे पूरा वेरीफाई कर सकते हो कि जो एक्स वाई जेड ए और सी पाँचों एक्सिस की जो मूवमेंट है, तो आपको पूरा यहाँ पर मशीनिंग दिख रहा है कि ये पाँचों एक्सिस का यहाँ पर मशीनिंग आप देख सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप कैसे फाइव एक्सिस के टूलपाथ वगैरह आप बना सकते हो, राइट। फ्यूचर में हम और वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें आपको और इजीली और अच्छी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको क्लियर करवा सकें। थैंक यू।